अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पाकिस्तान में बड़े प्यारे नफीस सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, और अगर आपने उनकी सोफिस्टिकेशन देखनी है तो किसी भी शादी में जाके जब आवाज आती है ना, रोटी खोल दे, तब आप उनकी सोफिस्टिकेशन देखा करें। जब रोटी खुलती है ना, बंदे कंटेनर्स नु इंज पैंदे ने डिशा नु कि बेचारा ब्रैलर कुकड़ सोचने लग पैंदा, मेरे को तो टुरिया नहीं सी जांदा है, ते खिच खिच के मेरियां लत्तां ही तोड़ देणगे। लोग तो ऐसे प्लेटें भरते जैसे सदियों से नहीं खाया हो और दूसरी बार वेटर ने आना ही ना हो। अच्छा, मजे की बात है, रोटी खुलने से पहले ना बातें हो रही होती है, पॉलिटिक्स की हो रही होती है, सोशल इश्यूज पे बातें हो रही होती हैं, लेकिन एकदम जैसी रोटी खुलती है उसके बाद रोटी मेरी है, ओ इधर दे। ये गल कर रहे हो, जो रोटी खुलती भरा भरा नु नहीं पछाणदा, मावां बच्चे नहीं संभाल दियां, छापर संभाल रही होंदियां। मजाक की बात एक तरफ, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा आवाम हर रोज भूखा सोती है, और जितना हम लोग खाना जाया करते हैं, थोड़ा सा हमें एहसास करना चाहिए, खाने को सेव करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात भी सही कर रहा हूँ, लेकिन वाकई खाने के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, लोगों का एहसास करना चाहिए जिनको वाकई दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। Can I add something to that, please? I request, ये जो आवारा स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं बाहर, इनको भी खाना डाला करें। कादिर आजाद, आज के हमारे मेहमान वाकई ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो बहुत बड़ी फैमिलीज हैं उनके एक चश्मो चराग भी हैं, और अपना नाम इस इंडस्ट्री में बना चुके हैं, वीजिंग से शुरू किया, लेकिन एक ऐसे अदाकार बन चुके हैं कि वाकई आप दूर से देख के कहते हैं आहा। प्लीज आपकी भरपूर ताली में वेलकम आगा ले। Welcome to the show. Thank you, sir. Thank you. तो धोखा बड़ा दिया जो आपने हैं, बड़ा धोखा इतना दिया आपने कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसा धोखा तो वाकई कभी किसी ने दिया ही नहीं। ये बड़ा हिट हो गया आपका धोखा। Thank you. ये धोखा कब हुआ? ये I think इसी साल खत्म हुआ, और शूट हम एक साल से कर रहे थे। हाँ। और but it was very nice to get back to this screens ARY पे। मैं करीबन एक गैप के बाद I've been working for Jio for a long time now. Getting back to ARY was nice. अली भाई दा धोखा, मैं कह इतना हिट हो गया हुण सियासतदान भी इन्हां कोलों क्लास लेना चाहते ने। हालांकि सियासतदान खुद अपने आप में धोखे की यूनिवर्सिटीज है। अच्छा, यह कुड़ी ना नाल नाल मैनू भी चुकवाएगी। आपको नहीं कोई चुकता, बेफिक्र है आप, क्योंकि आप खुद बहुत बड़े चुकनाइजर हैं। भाई लाहौर से आपका ताल्लुक है जी, कराची जाके आप शिफ्ट हुए और ऐसे कराची चले गए कि वापस लाहौर का पूछा नहीं। तो अभी तक हाजमा जो है वो पाए वाला है या निहारी वाले हो गए? नहीं, मेरा खैर पाए में नहीं खाता हूँ, लेकिन 100% लाहौरी हूँ मैं, हमेशा रहूंगा लाहौरी, हमेशा रहेगा अंदर का, कभी कभी नहीं मर सकता। मतलब है हमेशा बेशरम रहेंगे। वेरी गुड। बेशरम जरा सख्त है, बेबाक कहें जरा हंसी मजाक वाले। ये भाई नहीं, हम लोग जहाँ रोटी आती है ऐसी बेशरम हो जाने। हाँ, रोटी सामने बेशरम। भाई आप किस सेंस में बेशरमी की बात कर रहे थे? मैं भी रोटी दी सेंस ही कह रहा था। अच्छा भाई, माशाल्लाह अगर आपको नहीं मालूम तो थर्ड जनरेशन आपकी है भाई, आपका खानदान भट्टी पिक्चर्स, अगर आपको नहीं मालूम तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैनर होता था भट्टी पिक्चर्स का, और भट्टी पिक्चर्स की ऐसी वो शान आन बान होती थी। अब जो हाल है फिल्म इंडस्ट्री के, वो रूज जो आपकी फैमिली ने देखा था उसको मिस तो करते हैं, स्पेशली भाई इंडिया की अगर आप बात करें तो जिस तरह कपूर खानदान था उसी तरह भट्टी पिक्चर्स पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। क्या वो दौर और अब के दौर के अंदर क्या फर्क आप देखते हैं कि क्या वो दौर वापस आएगा? ओवरऑल इन द इंडस्ट्री आई रियली होप कि आए, आई रियली विश कि आए, ऐसा नहीं लगता है कि आएगा टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक उस वक्त जो इंडस्ट्री थी, क्योंकि देखिए मैंने तो नहीं देखा है, मेरी सैडली वो अगली जनरेशन तक भी नहीं जा पाया था। जी जी, वट वट एवर टाइम भट्टी पिक्चर्स सॉ, उसके बाद माय अंकल वसीम साहब, माय फादर आगा सिकंदर, दे वर ऑल इनटू टीवी देन, दे वर ऑल सक्सेसफुल टीवी एक्टर्स, बट द प्रोडक्शंस वर नॉट हैपनिंग। जब भी मैं बड़ा हुआ तभी कोई ऐसी मैंने अपनी फैमिली को कोई फिल्में बनाते हुए नहीं देखा है। सो व्हाटएवर हैपेंड, वसीम साहब ने तो देखा, उन्होंने तो फिल्में प्रोड्यूस भी की, काम भी किया था, की है उन्होंने, बट यू नो जब वसीम साहब भी जब एक्टर बने, हीरो बने थे, तो 3 से 4 फिल्में ही बनाई थी भट्टी पिक्चर्स ने 90s में। They were majorly very active in 70s and 80s. So, वो दौर में हम शायद पैदा ही हुए, और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सेल्फ एक डिक्लाइन पे गई जो 90s में शुरू हुआ और फिर 2000s में तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। मैं एक चीज बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वो नहीं होता कि हार्ड वे चूज किया,
यू स्टार्टेड फ्रॉम वीजेइंग, उसके बाद आपने होस्टिंग की, उसके बाद आपने बड़ी और चीजें भी। बट सर आई डिडंट हैव एन ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं था कि मेरे हाथ में था चूज करना और मैंने हार्ड वे चूज किया। आई हैड नो ऑप्शन। आई बिलीव कि अगर एक्टिवली हमारी फैमिली प्रोडक्शंस कर रही होती और हम सब उसका हिस्सा बन पाते, सो देयर वाज नथिंग बेटर देन दैट। मुझे कोई एतराज नहीं होता। तो आप अगले नए रणबीर होते भी हैं। हमारा मेन एक थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि वहाँ वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रिजर्व किया है जी, हमने प्रिजर्व नहीं, ऐसी तो डिजर्व भी नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री जी जी, हमने सिर्फ बर्बाद किया। सैडली मैं बहुत बहुत जुड़ा रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से। हमने फिल्में देखी है हमारे बड़ों की पर हमने ड्रामे किए। अनडाउटेडली वसीम साहब एंड माई फादर वो वेरी सक्सेसफुल ड्रामा एक्टर्स, बट देन अगेन कोई भी एक्टर शायद बड़ी स्क्रीन भी इमेजिन करता है अपने लिए, छोटी स्क्रीन। कोई टीवी एक्टर नहीं बनना चाहता है ना, एवरीबडी वॉन्ट्स टू से मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ, मैं आई वॉन्ट टू वर्क इन मूवीज। तो ये एक सैड साइड है हमारी इंडस्ट्री की कि हमारे ड्रामे ही हमारी फिल्म है। लाहौर का तो चलो हमें समझ आती है क्योंकि हमारा थिएटर हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है जी, लेकिन कराची के अंदर जाके एक्टिंग और स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मेक करना काफी टफ है जी, और बहुत से आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे। जी जी बिल्कुल हुए। तो कितने लोगों ने आपके पैसे देने? एक दो लोग हैं जिन्होंने देने हैं पर वो कभी नहीं देंगे, मुझे पता है। आई सेटल्ड माय सेल्फ विद दैट। और बाकी लोग जिनके साथ मैं अभी एक्टिवली काम कर रहा हूं वो सब पैसे दे देते हैं, वो सब दे देते हैं। या, या। ये अब तो आपका नाम बन चुका है, अब तो जरा रो भी होता है कि पैसे पहले आएंगे तो मैं सेट पे आऊंगा। नहीं, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा एक्टर है अब जिसका प्रोडक्शन पे ये रोब है, प्रोडक्शन का ही रोब रहता है सेट पे, जो सच्ची बात है। देखिए हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, जिस तरह ये माशाल्लाह अपनी मजबूरी देख के काम चूज करते हैं उस तरह आप क्या देखते हैं, मतलब हीरोइन देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं या प्रोडक्शन हाउस देखते हैं कोई भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं? ऑनेस्टली बट सब देखते हैं, सभी देखते मतलब सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कैरेक्टर क्या है। और हमारे यहाँ कोई चॉइस है नहीं ज्यादा, यू नो वी मेक द सेम काइंड ऑफ ड्रामा, सो द ओनली चॉइस यू हैव इज दैट यू साइन द ड्रामा जिसकी कहानी आपके बारे में हो रादर देन हीरोइन के बारे में। ओके, मतलब सेंटर ऑफ मेरा बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आप मुझे स्क्रिप्ट भेजेंगे, मुझे बाद में फर्क पड़ता है कि मेरे साथ कौन है। मेजरली फर्क ये पड़ता है कि वो ड्रामे का कैनवस जो है उस पर मैं कितना जरूरी हूँ, मेरा कैरेक्टर कितना जरूरी है। ड्रामा ड्राइव एक ड्राइविंग फोर्स करती है, पूरा ड्रामा हमेशा चलाती है। अच्छा, मजे की बात है ये हरकत इन्होंने भी की थी। की थी जी मैंने हरकत जब शादी करने लगे थे कि मैं इसमें क्या हूँ। आपको बताऊँ, इतनी बड़ी फिल्मी फैमिली में अगर मैं पैदा हुआ होता तो रणबीर कपूर आज मुझसे छुपता फिरता। अच्छा, ये क्यों? आपने उसके पैसे देने थे? क्यों? फैमिली नहीं, छोटे शकील के घर पैदा होना चाहिए था। पर भाई यार लेडीज पांड मेरे वास्ते कितों अरेंज की, एनू ना 1.5 इंच का चमोटा भी ले दे। आ हा हा हा। ये तो गुस्सा गुस्सा कर गए आप। ये तो जाहिर है जी, नाल बैठी तुसी बबू तुसी भी करोगे, आ जाओ। जो उसका काम नहीं होता सब चीजें वो एक्सपोज कर देता है जी। लेकिन एक एक्टर के लिए सोशल मीडिया कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत। आई थिंक देखें एक ऑडियंस है जो हमारा ड्रामा देखती है, फिर एक ऑडियंस है जो आपको सोशल मीडिया पे देखती है, एक वो गालियां भी देती है, सिर्फ वेट कर रही होती है कि आज मैंने इसको गालियां देनी है। नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन आई थिंक हर माशरे में, वो लोग हर माशरे में, आप हॉलीवुड देख लो, उठा लो उनकी ट्विटर पे जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो कोई अंग्रेज, कोई किसी भी रेस का कोई भी इंसान हो, आज एक यू नो हर कॉम में एक फ्रस्ट्रेटेड हिस्सा होता है लोगों का जो कामयाब नहीं हो पा रहा होता है, जिसके लिए चीजें मुश्किल होती हैं उनके लिए। आई थिंक उनके लिए अब गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया है, वेयर दे आर नॉट बीइंग यू नो, वो आप कुछ भी एक पर्दे के पीछे, एक नाम के पीछे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो और अच्छा फील कर सकते हो कि यार ये कामयाब है, ये अच्छी लड़की के साथ बैठा हुआ है, ये ट्रैवल कर रहा है। थोड़ी बहुत गालियां पढ़नी भी चाहिए सोशल मीडिया पे, उसमें होता क्या है आपका जो ईगो लेवल है ना वो सेट रहता है। ताड़ा अपना क्राइटेरिया होना है, साडा नहीं, अल्लाह। I agree with Aga, social media जो है ना एक venting की जगह बन चुकी है for people that are आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझ जाओ, हमारे ऊपर लोगों का हक है कि वो हमें तारीफ करते हैं। पिक्चर देख के हजारों कमेंट आते हैं कई प्रोफाइल्स पे जी, बिल्कुल, जिनमें लोग लिखते हैं कि आपसे प्यारा कोई नहीं है, आज लगा चांद उतर आया, आपको देखा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। फिर एक आता है वो कहता है कि तेरी भी तो हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये लोग भी हैं। और मैं बताऊं कई दफा मैंने पकड़ा है भट्ट साहब
एक कोई आया उसने को बहुत कड़वी गंदी बात लिखी, तो आपको वो यूजर नेम भी कई दिन याद रह जाता है। और फिर उसी ने एक और पिक्चर के ऊपर क्यूट बॉय 79 एक और तस्वीर पे उसको लगा मुझे याद नहीं होगा, लिखा मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ, आप तो रिप्लाई नहीं करते। वाह वाह वाह, मेरा दिल तो कीता मैं करा रिप्लाई उन्होंने। तो फिर मैंने कहा सी दिस इज देयर एक्टिविटी। मैं एग्री करता हूँ, अक्सर इनबॉक्स आते हैं और ऐसे ऐसे आते हैं कि जी पहले ना 5 हफ्ते दुआएं चल रही होती हैं, उसके बाद ना गालियां आ जाती हैं, फिर दुआएं आ जाती हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। मतलब भैया आप अगर जवाब नहीं दें तो भी पैड़े, जवाब दें तो भी पैड़े, साहब उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए। बिल्कुल, किसी भी तरह की आप गाली निकाल दो तो भी वो उनका पेट भरेगा, आप बोलो इस तरह की बात करके तुमने अपना वक्त जाया किया है, वो उनको उससे भी मजा आएगा। दे ओनली वांट एनी टाइप ऑफ अटेंशन। जी जी, एंड आई वुड टेल एवरी एक्टर नॉट टू गिव दैट अटेंशन टू एनीवन। भाईजान तो ये हरकतें क्यों करते हैं आप? सोशल मीडिया पे एक बंदे ने मुझे गाली लिख दी। अच्छा, मैं कहा अच्छा पुत्र तू तो इतने लिखी है ना, मैं दिल चुनू 300 कड़ी फिर। अच्छा, मैं कहा साहब बराबर। खवातीन रजा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हिसाब बराबर करने के लिए आगाज हमारे साथ मौजूद है, विल बी राइट बैक। माइंड अगर ना आ रहा है हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे साथ एक वो सवाल का जवाब देने वाले हैं जो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में लाहौर और कराची के बीच में डिवाइड होता है। सर, बिरयानी लाहौर की या कराची की? खाना लाहौर का। खाना लाहौर का, ये बात। और खुद पकाते हैं? जी। क्या पकाते हैं? सब सब एवरीथिंग। अरे वाह, उल्लू पकाते हैं? उल्लू बनाते हैं। उल्लू बनाते हैं, इसलिए आइए आपको चल के भी उल्लू बनाते हैं। इट्स टाइम फॉर माइंड द न्यूज़। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने लोगों को अपनी नाजेबा वीडियो लीक करने पे खूब लान तान की। हरीम जी, अब आपको पता चल गया होगा कि वीडियो जब कोई लीक करे तो कितनी तकलीफ होती है। वैसे तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, जो गरा किसी के लिए खोदोगे आप उसमें खुद ही गिर जाओगे। लेकिन महरीन कहावत को आज के दौर से मॉडिफाई कर लें, जो इंसान किसी की वीडियो लीक करता है एक दिन उसकी भी हो जाती है। आपकी कहावत सुन के काफी लोग डर जाएंगे। डर विचो, मैं भी गया कि कोई वीडियो मेरी भी ना आ जाए सामने। नई तहकीक के मुताबिक रात को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ जाता है। ये तो बड़ी खतरनाक बात की आपने, मोबाइल तो रात को ही इस्तेमाल होता है। एहो जी कुड़ी दे रात नूं अक्सर फोन वेखदे नींद च छुट के नक ते भी वज जांदा हुंदा। ओ हेलो, मैं अर्ली राइजर हूं, मैं बहुत जल्दी सो जाती हूं। बहुत अच्छे, एडी तू अक्षय कुमार रहंदी नहीं किधरे। ले जी, खबर तो आई है अब। अल्लाह खैर ही करे बट साहब। महवेश हयात ने कहा है कि वो लियोनार्डो डिकैप्रियो की दुल्हन बनने को तैयार है। लेकिन डिकैप्रियो बेचारे नूं भी पूछ लो, हो सकदा वो बचपन दा ही अपनी फूफी वल मंगया होवे। डिकैप्रियो को तो आपने पकड़ के सलीम अल बेला ही बना दिया है। कनेडियन रकासा नूरा फातही ने कहा है कि वो घर में अकेली कमाने वाली हैं, आज तक किसी ने उनकी मदद नहीं की। वाजिद, हो सकता है वो अपने पहले के हालात बता रही हो सकता है किसी जमाने में उन्होंने बहुत गुर्बत देखी हो। ओहो, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन गुर्बत वेखदे ने साढ़े वर्गे लोग, जेड़ा पैदा ही कैनेडा च होया किन्नी को गुर्बत वेख लेगा भाजी। क्योंकि आप घर होते नहीं इसलिए आपको काम वाली की जरूरत भी नहीं है, तो आज की क्या बात हुई यार। मैं वैसे ही बात कह रहा हूँ, चिकनक 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 आहा चिकनक 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 आहा आ गई मासी रिश्ते वाली ना कोई जावे हुन ए तो खाली। आ गई मासी रिश्ते वाली ना कोई जावे हुन ए तो खाली। आ जाओ जिड़े रह गए कल्ले, हो जावेगी बल्ले हो जावेगी बल्ले बल्ले हो जावेगी बल्ले हो जावेगी बल्ले। आगा चिकनक 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 आगा चिकना 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 आगा चिकना 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 आगा। हेलो बाजी, साड़ा जाती आगा है तो चिकना भी साड़ा जाती है। ओ कोई बात नहीं, संभाल के बात करें, हमारे गेस्ट हैं वो। हेलो, ससुराल दे हर फंक्शन चो जलील होने वाले इंसान। आगा चिकने 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 लो जी, कुंग फू पांडे का लेडी वर्जन भी आ गया। ये आप क्या नाला गले में पहन के आ गए? आपका नाम पता है, इसके बड़े फायदे। अच्छा, इतने मैं शेव भी कर लेनी चाहूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शगुफ्ता है, उर्फ शुगी। शुगी, एक्चुअली मैं रिश्ते करवाने वाली माई हूँ। रिश्ते करवाने वाली माई है आप? यस, कैसी लग रही हूँ?
मुझे तो लग रहा है आप रजाई पाड़ के आपने कुछ पहन लिया। आपका ऑफिस किधर है बाजी? मेरे तो 3-4 ऑफिस है, मैं उत्थे टिक के बहंदी नहीं। मैनू फेट और के रिश्ते कराने दे बहुत मजा आंदा है। अच्छा, इहो जी औरत दा बच्चा रात नू वॉशरूम भी जावे ना ते सुती पी उहदे ते लत रख देनी, खबरदार। हेलो खुसरियां दे पर्स। आपने कहा कि जी मैं रिश्ते करवाती हूँ, किस किस का रिश्ता करवाया? मैं नाम नहीं बता सकती, एक्चुअली वो पॉलिटिक्स से हैं। अच्छा। हाँ, पॉलिटिशियन से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। कई तो इंजदे भी नहीं जिन्हें दिया उंगलियां सही नहीं। और यहाँ किसी का आपने रिश्ता करवाया? इधर तो रह नहीं देगी। मैंने वैसे भी नहीं करना, मेरी फैमिली साथ ही होती है हर वक्त। लिसन, I want to get married. Do you think you can help me out? Ni chup kar de ni rano, main tenu janni hai change tareeke naal. No. Listen mere jo. Eh te main 3-4 rishte karaye si reject karte. Hain? Aapne charo reject kar diye? Nahi nahi, ohna ne. Edi ni jurat hai rishta mera reject kare. Aaga janni? Ji. How are you? I'm good. How are you? I am sidke jawani kiddi sohni kudi lagi. Aaye aaye aaye. अरे जी कुड़ी नेच मारे ना तो वेख डे कहंदे नहीं आ छो पई जी। अच्छा बाजी, अल्लाह झूठ ना बुलाए, ते पिछले साल तुसी पासा लेके खामद मारता सी ना? इनू भला किवें पता है कि मेरा बड़ा मुंडा है। हाउ मच डू यू चार्ज फॉर अ रिश्ता रानो? बड़ी तेज और राणो नहीं, उसका नाम मैरीन है। साडे च मैरीन होने, साडे च राणो, इन्हू मैं पिछले कमरे च जाननी है। राणो दस इन्हां नू। की दसा? ऐ की दसा, वेखिया। राणो छड्ड इस गल नू, वेख किड्डा सोहना मुंडा है। आगा चिकना चिकना चिकना, आगा चिकना चिकना चिकना, आगा चिकना चिकना। आगा क्या हाल है आगा जानी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अच्छा, आप यहाँ क्या करने आए वैसे? एक्चुअली रिश्ते करवाने वाली माई हूँ, तो रिश्ता करवाने आई हूँ। मुझे पता लगा कि आगा साहब रिश्ता करवाना चाहते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि मैं भी तो सिंगल ही हूँ ना। ओ तू सिंगल नहीं बाजी, तू डबल है, बल्कि डबल स्टोरी है। किड्डा तेरा मुंह। थैंक यू। तुम्हें पता रात नू खोल के सौ जाना है। वेखो ये भी मुंह, भला पहले की करती सी? मुंह च जम्मू पा के बेचती सी। आप रिश्ता लेके आए हैं, आप में क्या क्वालिटीज हैं? मेरी ले, मैं बता रही हूँ लंदन यूरोप। आप अपना रिश्ता लेके आई हैं या आप कोई रिश्ता लेके आए? नहीं नहीं, 4-5 मेरे पास तो हजारों रिश्ते हैं आगा जानी। ओके। तू हाँ ते कर मरे की बने तेन। एक तो हाँ कर, मैं ते अपनी जवानी भी तेरे ना कर देंगी। क्यों है? आगा आपसे शादी क्यों करेंगे? मैं क्यों करूंगा आपसे शादी? तुम्हारा दिल करेगा? नहीं तो आप आगा के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाए, अपने आप को क्यों प्रेजेंट कर रही हैं? मैं करूंगी, जाओ जो मर्जी करो, जाओ तो फौज में तो निकले। मैंने बुलाई है। चा आगा जी, जान भी दे दूं तू कहे तो जाने जा, जान भी दे दूं तू कहे तो जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे जिंदगी जिंदगी नहीं है माना जान। वेल्डन बाजी, वेल्डन, थोड़ा जी इत्थे इत्थों भी जगह उची है मेरी भैण। यार किड्डे अच्छे स्टेप कीते आगा, अब तू मान जो ना। आगा आप तो वाकई मान जो, मैं मान गया। चले कोई कोई तो माना। ये स्टेप्स आपने कहाँ से सीखे? ये खानदानी ने जी। और तानू पता है एदी भी अबू दी लत नहीं गी। अच्छा। ते डांस करन नू दिल करदा है। एडे अच्छे डांसर। और टुरदा फिरदा इंज करी जांदा। अच्छा वैसे आपके स्टेप्स देख के बजरी तो इंप्रेस हो गई है, तो आप इनके साथ रिश्ता कर ले, आगा से मैं कर लूंगी। नहीं ना, नहीं होती। बस ठीक है, तुसी रिश्ता इधर कर लो, तुसी इधर कर लो, तो मैं 2 किलो मटर ले आ दियो, मैं वो कटी जाना। आगा अच्छा बताओ मेरी तरफ से क्या है, ऐनक उतारू ग्लासेस? नहीं 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 नहीं। ओ कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मैं सिद्ध के जाऊँ
बाजी आपकी अट्रैक्शन और बढ़ सकती है ना, कैसे नोज में लड़कियां नथली पहनती है ना, तुसी ट्रैक्टर का अगला टायर पाओ। अच्छा आगा जी बताए कि अगर ये रिश्ता लेके ही आइए तो क्या क्वालिटीज हैं जो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि भाई पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लुक्स होनी चाहिए, अल्लाह माफ़ ये मतलब क्या होना चाहिए? बस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दिल से कहो मुझे, दिल से जा। मेरे दिल से एक ही बात आ रही है बार बार आपको, अस्तगफार। वाह। अच्छा इहो जी कुड़ी दी सालगिरह होवे केक ते नहीं कटदी, लत्त मार के हमसायां दी कंध सुट के हैप्पी बर्थडे। तुमने भी दिल तोड़ा है और तुमने भी, और आगा जानी आपने भी मेरा दिल तोड़ा। तुम लॉन्ग ड्राइव पे चली जाओ ना उनको लेके। पेट्रोल तो बड़ा महंगा, मैं वो गाना नहीं गावांगी, गड्डी तू मंगा लै तेल मैं पवानी हाँ, मैं पेट्रोल तो बगैर वाला गाना गावांगी। आगा ते बह जा साइकिल ते आगा, सर एक सेकंड मैं आपको गले लगाना चाहूंगा। इट वाज वेरी वेरी नाइस। अरे अरे वाह, अरे चाहिए। एक छोटी सी जप्पी लेते हैं, मेरा मतलब है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, खवातीन आजाद, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। आज आगा हमारे साथ मौजूद हैं, या बल्कि एक है इश्का वे शौकी। ये रोम कॉम जो आपने रमजान में किया था बड़ा मजेदार हुआ था, और जी, जी। शौकी का कैरेक्टर भी बड़ा आपका हिट हुआ है। जी जी जी, ये रोम कॉम की तरफ अब आप दोबारा आएंगे? यार आई इज डाइंग टू बी ऑनेस्ट, बट साहब यू नो इट्स बीन अ व्हाइल। जब मुझे ब्रेक मिला था फ्रॉम द प्रोजेक्ट रुखसार, आई वाज एन एंटी हीरो, देन यू नो वो रिवाइव हुआ करियर, तब भी वाज एन एंटी हीरो। अभी रिसेंटली आई डिड जख्म जियो एंड दैट काइंड ऑफ यू नो रिवाइव्ड माय स्पार्क, दैट्स व्हाट पीपल सेड। अगेन वो एक एंटी हीरो था, तो आई थिंक हर हीरो को एक एंग्री टफ कैरेक्टर जो होता है। बट यू एंजॉय कॉमेडी मोर, रोमकॉम मोर? आई डू बोथ ना, एज एन एक्टर आई रियली वांटेड टू यू नो, मुझे तोड़ना था कि यार लोग देख पाए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। और सो वो ये बहुत ही अगर आपको नहीं पता तो आगा गाना भी बहुत अच्छा गा सकते हैं। या तो अगर मैं कहूं तो आप कुछ हमें सुना देंगे? व्हाट्सएप थोड़ी देर में सुना देते हैं। आगा जी प्लीज सुना देना। क्यों नहीं, ओ गया पाकिस्तानी। ओके खवातीन हज़रात, इसकी वजह हमें पता लग गई है, ये घर पे क्यों नहीं होते? नॉर्मली स्टूडियो में होता हूँ। जी जी बिल्कुल। जी तो मेरे कहने पे इन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद, मगर मैरी ने कहा, तूने कहा क्यों नहीं। मैं सबको बता दूं, ये इन्हीं ने कहा था ब्रेक से पहले करने के लिए, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये ऐसे है। ये तो आप माइंड कर रहे हैं। खातिर हज़रात आइए एक नन्ना मुन्ना सा गाना सुनते हैं आगा से। बाबा मैंने मैंने थैंक यू थैंक यू। एक गाना था जो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था विद वेरी वेरी टैलेंटेड सज्जल वाज मी एंड आई डिड द ओएसटी फॉर दैट ड्रामा। मैं जब लाहौर आता हूँ तो पंजाबी गाने मैं बहुत ज़्यादा सुनने लग जाता हूँ, पता नहीं इट्स द वाइब, और वो गाना भी पंजाबी था। मैं आपके लिए गाता हुई है, थोड़ा सैड है तो आप दिल पे नहीं लेना, पर इट्स बस आई है। थैंक यू। हर बारी कहते मेरा कसूर, मैं जाना केड़े पासे, मैं तो जाना ही ना, हर वारी जमा हार, मैं मंगा मेरा प्यार, मैं किदा किदा तरला करा, दस दस की मैं यार मनावा, दस दस वे मैं खेड़े पासे जावा, अपने जे हुन खैर, मैं खैर की मैं मंगाना अपने यार दिया, दस दस अज की ये सजा मेरी, कथों की जिंदड़ी तू तबा मेरी, अपने ने सारे खैर, मैं खैर के मैं मंडाना अपने यार दिया। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। काश कोई मेरे लिए भी गाना गाए। एनी वे बहुत खूबसूरत, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम लेके नन्ही मुन्ही सी गेम आपके साथ खेलने लगे, जरूर आप गाना गाते हैं, आपकी हमने
नॉलेज भी देखनी है कि गाने की नॉलेज कैसी है. ऑडियंस आपकी हेल्प कर सकती है. ओह फैंटास्टिक. ठीक है जी ऑडियंस रेडी. वेरी ओके. अब गेम इस तरह है कि हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे. ओके आपने तस्वीरें बूझ के गाना गेस करना है. आइए माइंड द सॉन्ग. ओ हो बहुत ही टेक्निकल गाना लग रहा है. एक तस्वीर में मेहंदी का हाथ है और कुछ शादी बंधन वगैरह कुछ इस तरह की चीज है. दूसरा तो ना मतलब ना ही समझो या डोंट कुछ इस तरह भी हो सकता है. ओ बेचारा कुछ परेशान लग रहा है. ओ नो मैं बर्बाद हो गया. कुछ टेंशन वो दिल की धड़कन है. ओ एनी गेसेस गाइस. हाँ बोलो. हाँ जी गलत है. वाह वाह वाह. लेकिन ना बड़े बड़े आ रहे होते भाईजान. और ये पाकिस्तानी गाना है जी. ये पाकिस्तानी गाना है. ये तो ऐसे लग रहा है हाथ को आया मुंह ना लगा टाइप कुछ लग रहा है. अच्छा पर इसे पंजाबी और उर्दू. उर्दू गाना है. उर्दू गाना है. अच्छा पहली तस्वीर में क्या हो रहा है. मंगनी हो रही है. शादी मंगनी शादी हो रही है. ओके वेरी गुड. और अगले में क्या वो कह रहा है. अगले में लिखा है नो एंट्री. शादी ना करना यार वो पछता होगी सारी लाइफ. आधे लोग ना तब पैदा भी नहीं हुए थे तब का गाना है. हाँ ये बड़ा पुराना गाना तभी है. तो मैं बहुत रीसेंट मैं आई वाज इन लाइक वो वाला टाइम जब चल ईपी नूरी यू नो आई ग्रू अप इन दोस टाइम्स. बट या आई गॉट दैट. ये बहुत फेमस रहा है गाना. एक पॉइंट आगा हासिल कर चुके हैं. वेरी नाइस. अगला देखते हैं. ओए होए 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 ओ तो डूब ही गया बेचारा. एक में तो डूब गया है. ओहो मैं कुछ नहीं बता सकता. मैं बता ही नहीं सकता कुछ क्योंकि ये वाह वाह हमारी ऑडियंस में से भी आधे लोगों ने बूझ लिया. पहली तस्वीर में क्या है. समंदर. वो क्या दूसरी तस्वीर में क्या कर रहा है. समंदर देख रहा है. देख रहा है समंदर को. और भी कुछ कहते हैं. दैट मैं डूब गया है. मैं अचानक दैट सॉन्ग. नहीं नहीं वो उसको क्या हुआ है. स्टैंडिंग. उसको क्या हुआ. दुख तकलीफ. दुख है. दुख का एक और वर्ड होता है गम. ओके वेरी गुड. ठीक है इतना बड़ा क्यू दे दिए. एक लफ्ज पे है सारा गाना. एक लफ्ज पे आपको याद आ जाना चाहिए अली भाई. पहली तस्वीर में क्या है. पहली तस्वीर में पानी क्या है. समंदर. समंदर है. हैं ओ साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या. इज दैट सॉन्ग. साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना. अरे वाह. एक लाइन तो गा के हो. मैं डूब रहा हूं अभी डूबा तो नहीं हूं. क्या बात. ओके नाइस. वेरी नाइस. एंड डन. दो पॉइंट ज्यादा साहब ले गए हैं थर्ड पॉइंट के लिए. ओए होए 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 भाई जान बहुत इजी है. बड़ा इजी है. ओए बारिया ते नाले कंदा. ओए बारिया ते नाले कंदा टपके. क्या बात है. आवांगी हवा बनके. भजन यही होता है जब एक बंदे को म्यूजिक की सेंस होती है ना वो यूं बूझ लेता है. अगला आप देखते हैं क्या होता है. अगला जरा टफ है. ओके एक मिनट. मैं तुम दिल. अब मैं कुछ नहीं बता रहा भाई जान. मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा. तेरे क्या भाई पहला मैं हूं वो कह रहे तुम. मैं बताता हूं. चुटकी बजा रही है उसका दिल है और वो करार साहब की किसी वजह से तस्वीर लगी हुई है. बहुत बड़ा हिंट है. पहली तस्वीर. हाँ कुछ गेस कर पा रहे हो. भाई आप ही कर लेंगे. पहली तस्वीर क्या है. मैं को और भी कुछ कहते हैं. हम मुझे पंजाबी च. मैंने मैं पंजाबी तो मैं ही होता. सानू. मैं पंजाबी च. सानू. सानू तानू करार नू लेके चले जाना चाहिए. जरा ये सुने. अरे ये आई कह रही कह रहे सानू तेरे नाल प्यार हो गया. ये बात. साडा दिल बेकरार हो गया. बेकरार हो गया. क्या यार आपको हमने इतनी बड़ी
इकरार हो गया। इकरार हो गया। चलो चलो बहरहाल आप बड़ा अच्छा खेल रहे, 4 पॉइंट हासिल कर चुके हैं, वेरी नाइस। बहुत क्रिएटिविटी दिखाई दी टीम ने, बहुत शुक्रिया। ओ हो हो अच्छा वाह बड़ा मुश्किल। महरीन आप गैस करें और कोई नहीं गैस करेगा, सिर्फ महरीन गैस करेगी। रास्ता आगा लव मोहब्बत प्यार लव मोहब्बत राइट और पंजाबी उर्दू ये बताएं। जी पंजाबी है, थोड़ा सा हिंदी और प्लीज भाई एक मिनट। I don't want to disappoint Aga. So अच्छा आगा आगा तस्वीर गेम में क्या लग रहा है अभी? Handsome. Nice. That's so sweet, yeah. Thank you. सोना. सोना. हाँ. Very good. Good. Very good. सोना. Okay. आगे पूछे? भाई पहला जो है ना word वो क्या है? Way. 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 Oh, all the way वाला way. All the way वाला. Way सोनिया. Way. वो आ गया, वो आ गया, बाजी को आ गया। जी बाजी बताइए। वे सोने या दिल दा मामला ना जी ना वे आगा साहब हिंट और दें। हेल्प करे महरीन की, महरीन करे हेल्प आगा जी की, वो हार रहे हैं। एक तो उन्होंने वर्ड बता दिए कि आप तस्वीर में क्या लग रहे हैं, वे सोना। ओके अब सोने के साथ और भी हो सकते हैं, पहला वर्ड तो वे है, वे सोना, वे डैश सोना, सोने की और भी वर्ड्स होते हैं, गोल्ड लगोल्ड वो वाकई को मीज है। अच्छा चले इसमें एक और वर्ड आता है, एक और बताए, एक वर्ड की हिंट प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज। हाईवे है, पहला तो वही है, बीच में कहीं हाईवे भी आता है। यार पुराना गाना है ये, कोई पुराना गाना है तो गलत बात है ना यार, कोई हमारी कोई हाँ। पुराना इतना पुराना नहीं, बड़ा मशहूर गाना है। पहली बात तो पंजाबी सॉन्ग्स आते नहीं मेरे, फर्स्टली बड़े लोगों ने रीमेक किया है, फाखिर ने भी गाया हुआ है, फिर वे सब तो सोनी है हाईवे मन मोने क्या बात है क्या बात है, रंगीला फिल्म का गाना वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, हो गई वो खोई भी हुई क्या बात। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सोना कौन है, क्योंकि अगली गेम है आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड back from the break khawateen azad aap dekh rahe hain mind na karna and it's time for I don't mind. ji to ali bhai main kuch statements pesh karunga aapke samne jis cheez se aap agree karenge aap kahenge I don't mind, jis se agree nahi karenge I mind. to aagaaz karte hain pehli statement, main apne bete ko kabhi nahi bataungi ki uska baap ek kamzor insaan tha sania mirza. oh aisa kaha hai unhone, main kolon kehnde hain bhai ha ye ki pata tada unhone स्टेटमेंट दी थी, वैसे स्टेटमेंट है आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। सबसे पहले तो अगर आपने मीडिया में ऐसी बात बोल दी तो पूरी दुनिया को पता चल गया बेटे को पता चलना कौन सी, आई थिंक ऐसी कोई भी स्टेटमेंट पब्लिकली देना आई माइंड गुड, इस हद तक की बात को मीडिया में किसी को भी नहीं कहना चाहिए। आपने क्यों माइंड नहीं किया? मैं माइंड इसलिए नहीं करता क्योंकि देखें दोनों पब्लिक फिगर्स और दोनों की पर्सनल लाइफ भी जो है वो पब्लिक लाइफ बनी हुई थी, अगर उन्होंने अपनी उसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट एक दी है या तो वो पब्लिक स्टेटमेंट देना, लेकिन अगर उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिए तो उन्होंने सोच समझ के दी होगी, तो इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ में मैं आल्सो इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बट जी उन्होंने कहा है कि मैं नहीं बताऊंगी यानी कि कुछ बुरा भला नहीं बोलूंगी, सो व्हाई डोंट वी लुक एट द पॉजिटिव साइड। लिसन इफ आई से दिस फॉर एग्जांपल ऑन कैमरा कि मैं अपने कजन को कभी नहीं बताऊंगा कि उसका बेटा चोर था एंड दैट्स रिकॉर्डेड एंड दैट्स गोइंग टू बी इन द रील्स एंड यू नो ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स गोना लिव फॉरएवर, वो कभी भी पॉप अप करेगा और उसको इवेंचुअली वो देखना पड़ेगा। मैं कह दूं कि जी मैं कभी भी ऑडियंस को नहीं बताऊंगा कि महरीन के हम लोग बहुत ज्यादा टेक्स लेते हैं, रीटेक्स लेते हैं। हां इससे ज्यादा अहम बात है, इससे ज्यादा अहम बात है कि हम कभी नहीं बताएंगे कि महरीन की एक टांग लकड़ी की है, वो व्हीलचेयर पे होती है।
अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दुरे फिशा टैलेंट से नहीं किस्मत से कामयाब हो रही हैं नाजिश जहांगीर। द स्टेटमेंट आई डोंट माइंड, आई मीन सी द थिंग इज के इससे बहुत बड़ी सच्ची बात है, जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा, और जो एक्टर्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, किस्मत हैज़ टू डू अ लॉट विद व्हाट यू आर डूइंग यू नो करियर वाइज। एंड ऑब्वियसली दुरे की किस्मत बहुत अच्छी होगी बेशक, जो उसको इतनी कामयाबी मिल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक शी इज ब्यूटिफुल एंड शी डज अ गुड जॉब विद द कैरेक्टर। जी बट जी आपने क्यों ये बात माइंड नहीं की? भाई किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा दिल, क्या से क्या हो गया, और बाकी किस्मत का खेल होता है, अल्लाह ताला जब आपका हाथ पकड़ता है ना तो बड़े बड़े दंग रह जाते। बिल्कुल ऐसा है, तो अगर उन्होंने उनके बारे में कहे तो बाकी आज उनका दौर है। मैं एंड आई वुड लाइक टू से इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत के हाल ही बैठे रहना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करता है। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड देन इंशाल्लाह समडे यू नो गुड। ठीक है अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं बाबर आजम। Why? भाई माइंड कर रहा हूँ मैं पहले आपसे, क्यों भाई देखें, क्योंकि मेरा ख्याल है वो शादी अगर कर ले तो अच्छी बात है, कोई भी कर ले तो अच्छी बात है या बुरी बात है ये आप और मैं नहीं बता सकते। हाँ मगर मैं अपने ओपिनियन तो बता सकता हूँ ना, नसीम और बाबर दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नसीम को मुझसे कर लेनी चाहिए जी, मुझे वही पता है थोड़ी देर पहले तक तो आप नहीं भाई बाबर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैंस बड़ा चाहते हैं कि बाबर की शादी हो। मैं चाहता हूं वो करें जो उनको सही लग रहा है, जब भी सही लगे यहाँ से आए आवाज आए तो तभी करना भाई। नहीं आवाज कैसे आती है? महसूस हो जाता है, महसूस हो जाता है। आप लड़की को देखते आवाज आती है यस। आई थिंक योर हार्ट सेज नाइस। ओ नाइस। ओ और दूसरी आवाज क्या आती है? फिर डिपेंड करता है कि वो किस तरह है। फनकार को अच्छे किरदारों के लिए कई साल गुजारने पड़ते हैं। मदिया शाह कहाँ गुजारने पड़ते हैं, ये तो वेले रह गए, वेले रह गए, अच्छे की ताड़ में बैठे रहना। वैसे हाँ कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ, कुछ हद तक एग्री, ठीक है। नहीं आई थिंक मैं एग्री नहीं करता हूँ, ये बहुत ही फजूल सी एक्टर्स की मुझे लिखा। आई माइंड दिस, आई थिंक कोई किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशली जब आप काम करना शुरू करते। मैंने एक ड्रामा किया था एज ए सेकेंड हीरो पर वो कभी चला नहीं, पर मैं इस बात से बिल्कुल ये होता कि कैरेक्टर में अगर कुछ करने को है और मेरे पास क्योंकि बैकअप नहीं है, कोई प्रोड्यूसर मुझे जानता नहीं है, कोई मेरे पे पैसे नहीं लगाएगा, सो देयर इज ओनली वन वे टू शो देम हाउ टैलेंटेड यू आर इज टू वर्क। अगर आप घर बैठ जाएंगे कि एक दिन एक किरदार मेरे पास आएगा तो वो नहीं आएगा, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, जितने भी बड़े हॉलीवुड एक्टर्स हैं वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी उन्होंने काम किया, दैट्स हाउ समबडी स्पॉटेड देम। अगर आप घर बैठ जाओगे, जैसे लोग कहते हैं एग्जाम की तैयारी नहीं करो घर बैठ के दुआ करो, तो कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसी तरह यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड यू नो प्रोफेशनली, तभी कुछ होगा, ऐसे बैठने से नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है मदिया शाह जी, आपके जूनियर अली आगा आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं कर। पहली गल मेरा नाम आगा अली, दूजी गल के फुट पवाने की जी कोशिश कर रहे हो नहीं होना। भाई मैंने तो ये कहा है कि मैं एग्री करता हूँ कुछ हद तक, मगर हमेशा एक एक्टर को एक कैरेक्टर डिफाइन करता है, और बिल्कुल हर कैरेक्टर वो नहीं होता। आपके करियर में एक कैरेक्टर आएगा जो आपके पूरे करियर को डिफाइन कर देगा, और आप सारी जिंदगी, जिस तरह इमरान अशरफ की अगर हम बात करें तो भोला भोला बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है और वो उसको डिफाइन करेगा उसके करियर में। तो बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, और अगर कोई एक्टर अपनी जिंदगी में 3-4 कैरेक्टर्स कर ले तो आई थिंक वो बहुत सक्सेसफुल होता है। ठीक है तो मगर वो बात भी सही है कि आपको काम करेंगे तो आएगा ना कैरेक्टर। ठीक है ना, तो ये ओके आप दोनों के पॉइंट्स आ गए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शादी के बाद शोबिज से दूरी इख्तियार कर लूंगी महविश हयात। क्यों यार, आई माइंड दैट, नो महविश हयात इज अ ट्रेजर। मुझे नहीं पता है मैं कैसे लोगों को समझाऊं, पर पाकिस्तान में अगर आप फिल्म की बात करेंगे सारी छानियों में से अगर आप छान लेंगे तो जो 4 एक्टर गिरेंगे उनमें से एक महविश हयात होंगी ही होंगी। क्या बात, क्या बात। और नहीं हाँ शादी के बाद भाई आई थिंक काम करना चाहिए, शादी के बाद, बच्चों के बाद, दादी बनने के बाद उन्हें काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक वी गोना मिस ऑन यू नो अगर हमें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा इफ महविश एवर स्टॉप्स वर्किंग। नहीं ये दादी नानी बनने के बाद, ये इशारा आपका बुशरा अंसारी की तरफ था। बुशरा आपा इज अ लेजेंड यार, आज हम सब अपने खुशनसीबी समझते हैं कि वो किसी भी कैरेक्टर में सेट पे हो, बिकॉज आपके पे इतनी लेगेसी, इतना काम आपने किया है, तो इतना कुछ सीखने, वो 4 मिनट बात कर ले आपको कुछ एक बात सीख जाते हैं आप। क्या बात, सो आई थिंक व्हाई नॉट, आपने क्यों माइंड कीजिए ये बात। मैंने महविश चंगी लग दी, अगर उसने काम बंद किया तो मैं तो जिथे कर रहेगी किराए ले लेना, फिक्र कर दी। अगले पॉइंट की तरफ।
एक अदाकार के पास भी हक है कि वो अपने बच्चों को इंडस्ट्री में ले आए। शान, ट्रू, हाँ, क्या बुरी बात, आई डोंट माइंड एट ऑल। मगर भाई वो आजकल क्योंकि इस पे वो फिर आता है कि जी नेपोटिज्म है, तो मैं कहता हूँ देखिए, अगर आप अपने बच्चे को, एक डॉक्टर अपने अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर ही बनाएगा, इंजीनियर अगर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बने तो व्हाई नॉट। और उसी तरह अगर एक एक्टर चाहता है कि भाई मेरी औलाद एक्टिंग सीखे, डायरेक्शन सीखे और इसी फील्ड में आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बशर्ते कि वो अपना होमवर्क करे, वो अपने आप को प्रूव करे कि भाई मैं ये काम, यू नो, आई विल टेल यू दिस, ये हमेशा एग्जांपल दिया जाता है कि दर्जी का बेटा दर्जी चाहता है दर्जी बने, यू नो, बिजनेसमैन का बेटा कुछ चाहता है बिजनेसमैन। लोगों को ये नहीं पता है कि एक्टिंग इज दी प्रोबेबली वन ऑफ दी ओनली डिपार्टमेंट्स जहाँ पे अगर एक एक्टर चाहता है कि मेरा बेटा मेरी तरह स्टार बन जाए, अगर कोई कामयाब एक्टर है, तो सबसे कम चांसेस इस फील्ड में है नेपोटिज्म लेके आगे चलने के। बिकॉज अगर कोई डॉक्टर चाहता है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वो पढ़ा लेगा उसको, वो बन जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, वो डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक खोल देगा, इंजीनियर पढ़ा लेगा, कोई भी शोभा अपने बच्चे को टचाएगा, यार ही शुड कम इन द सेम लाइन, देयर इज अ डिग्री फॉर दैट। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी अपने बच्चे को ले आए, हाँ इट्स ट्रू, अभी भी मैं खुद ये बात जानता हूँ कि दो चार ऐसे हमेशा नजर आते हैं आपको, जिनको आपको पता है यार इनमें टैलेंट कम है, पर ये इसलिए हैं यहाँ पे, पर वो टिकेंगे नहीं। क्यों हर दो साल तीन साल में पाकिस्तान इंडस्ट्री की शक्ल बदल जाती है, देयर न्यू फेसेस, यू नो, हम बड़ी मुश्किल से जो भी एक्टर्स, आई थिंक मेरे साथ के जो 8-10 साल से ड्रामे कर रहे हैं, आई हैव डन मोर देन 100 सीरियल्स एज अ हीरो, आई थिंक इज अ ह्यूज थिंग दैट आई हैव डन, बिकॉज सर्वाइवल इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। आप हीरो रहो कितने साल तक, असल गेम ये है, हीरो आ जाना कोई गेम नहीं है, एक ड्रामा हिट हो जाना सबका हो जाता है जो हीरो बनते हैं, बट देन फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन सस्टेन इज द मेन थिंग। भाई गेम तो वही है ना कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग, एग्जैक्टली, आप 12-14 साल से हीरो आ रहे हैं, 15-30 साल से हीरो आ रहे हैं, वो हर किसी को नहीं मिलता है, और वो बहुत कम चांसेस होते हैं जब कोई प्रोड्यूसर अपना बेटा लेके आता है। बिल्कुल, तो इसलिए नेपोटिज्म पे इतना घबराना नहीं चाहिए किसी को भी, किसी के पास टैलेंट होगा वही टिकेगा, वरना 2 साल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। लव मैरिज इज बोरिंग, दुरे फिशा गॉट मैरिड? नहीं, उन्होंने कहा कि जी लव मैरिज बोरिंग होती है। हाउ डू शी नो? देखे जो इंसान ने शादी नहीं की ना, उसके बहुत ओपिनियन होते हैं शादी के बारे में, पता लगता है वो। और ऑन अ सीरियस नोट, बहुत दफा ऐसे होता है, बहुत दफा मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो बहुत अच्छे लोग भी मिलकर अच्छी जिंदगी कभी कभी नहीं बना पाते। इट डजंट हैव टू बी कि एक बंदा बुरा है। तो व्हाटएवर दुरे इज सेइंग, आई थिंक वो कहीं किसी एक जगह का एक ऑब्जर्वेशन है और उसको लगा होगा कि ऐसा तो ऐसे होता है। बिकॉज देखो, शादी जो है ना वो बहुत ही रिस्की बात है, चाहे लव करके करो चाहे अरेंज करके करो, बिकॉज जो उसके बाद होना है वो किसी को नहीं पता है। नहीं होते, सानू पता है जिन्हें दी हो गई है। ओके, कप उठाइए, मैं समझ गया। दुरे फिशा, अली भाई का कहना है कि भाई ने तुहानू धोखा दिता, साडा इहदे च की कसूर है? अभी बीच में से काट के कॉन्ट्रोवर्शियल वाली बात निकल के क्लिप चला के एंजॉय कर लेना, ठीक है? अच्छा जी, रायन गोसलिंग से मुशाबत पर फख्र महसूस करता हूँ, अली रहमान। आई एम रायन गोसलिंग, आई माइंड दो में यार, आई लव अली, पर यार नहीं करो यार। रायन गोसलिंग ऑन द नाउ ना जी द पाइन गोसलिंग। अच्छा, आपने भी ये बात माइंड की? जी, हमने माइंड की, क्योंकि हम मर्द हैं और हम कहीं से रायन गॉसलिंग नहीं लगते, लेकिन वो भी नहीं लगता कहीं से। ओके, मुझे 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 रायन गॉसलिंग जैसा लगना नहीं है, पर मुझे ये पता है कि वो कैसा है। ओके ठीक है, अली रहमान, मेरे दोनों मेहमानों का कहना है कि साढ़े दिलों रायन गॉसलिंग नु भी ना ला। ठीक है, बिलाल अब्बास अच्छा अदाकार है लेकिन कभी कभार ओवर एक्टिंग कर जाता है, वसीम अब्बास। हाँ, ये वसीम भाई ने कही थी। यार मैं इस पे कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है, उसी का वो मैं कार भी जाना। हाँ, ना देखो यार, मैं तो नहीं कुछ बोल रहा वसीम भाई से, मैं तो भाई, यार वसीम भाई ने कहा, मामू ने तो मैं कह रहा हूँ। ये हमारे साथ जब वो पर्सनली बैठते हैं वो हमेशा हमें ये कहते हैं, देखो वसीम साहब की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकती, उनका एक्सपीरियंस 30-35 साल का है,
और बिलाल को भी इस बात पे माइंड नहीं करना चाहिए कि कभी कभी कोई सीन वो शायद बहुत अच्छा नहीं कराता हो, एंड इट्स ओके, वी ऑल डू दैट, वी ऑल आर लर्निंग। मेरा ख्याल है आपको हमेशा क्रिटिसिज्म जो अपनी सीनियर से वो एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। 100% सर, जब ये स्टेटमेंट आई भी थी मैंने कहा यार अगर वसीम भाई ने नोट किया तो ये बड़ी फखर की बात है कि वसीम भाई ने नोट किया। एग्जैक्टली, बड़ी बात है। ओके ठीक है जी, लास्ट बिलाल इज डूइंग, ही इज, ही इज, ही इज, लास्ट पॉइंट है, बड़ा सोच समझ के जवाब। लास्ट पॉइंट खुसूसी तौर पे आप जी, मुझे घर वाली नहीं घर में काम करने वाली चाहिए, आगा अली। ये कब क्यों तालियां बजा दी, मैंने कहा ही नहीं है। कब कहा है मैंने यार, असी तो लाफ्टर लेना नहीं आया। तो आपने फिर क्या कहा था? आई माइंड, आपने क्या कहा था? कुछ कहा ही नहीं मैं। वादिर हजरत, अगर आप जानना चाहते हैं कि मीसने को ना क्या फेस किया होता तो ये होता। नहीं नहीं अभी भाई मैंने बहुत पहले बात कितनी बार कही है कि मैं हाउस हेल्प मैनेज नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं काम वाला कोई नहीं रखता हूँ। आई डू इट एवरी थिंग एंड आई लव इट। हमारे रिलीजन में भी यही है। हाँ, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही, अगर आप पढ़ोगे बचपन में किताबों में आप पढ़ो तो वो अपना हर काम खुद करते थे। वेरी नाइस। और तो मैं ऐसा करता हूँ एंड आई फील प्राउड माई सेल्फ बिकॉज मेरे लिए लाइफ आसान हो गई ये करने के बाद, जब से आपने काम खुद करना शुरू किया। 100% नहीं, मगर हम चाहते हैं कि कोई आए और आपके काम कर लेना। वादी रजात, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और आपने बहुत खूबसूरत बातें की। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और याद रखें, माइंड ना करना।